हाउ टू पैक एंड स्टोर फ्रेश मशरूम्स फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मशरूम्स का जो है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड रूल है एक्चुअली, मशरूम्स तो वेरियस काइंड्स ऑफ है ना, जैसे बटन, ऑयस्टर, शिटाके, किंग, इनोकी, हर एक का जो सेल्फ लाइफ है एवरेज 2-3 दिन में चेंज हो जाता है। जैसे कि शिटाके मशरूम, मिल्की मशरूम, इनके सेल्फ लाइफ थोड़ा अच्छे हैं, किंग का अच्छा है, ऑयस्टर मशरूम में थोड़ा सा कम है, बटन का भी थोड़ा कम है, पैडी स्ट्रॉ मशरूम तो 1-2 दिन के अंदर ही ख़राब होने लग जाता है जबकि सबसे ज़्यादा टेस्टी है। तो मशरूम बहुत प्रकार के, एक एवरेज अगर निकाला जाए तो देखिए जो सेल्फ लाइफ होते हैं मशरूम का वो 0 डिग्री पर अगर रखा जाए तो 8-11 दिन तक ठीक रहता है, और अगर वही चीज़ अगर 5 डिग्री में रखा जाए तो 6-8 दिन, और अगर वो 10 डिग्री में रखा जाए तो 4-6 दिन। देन अबाउट 1-4 डेज एट रूम टेम्परेचर, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेराइटी यू आर कल्टिवेटिंग। तो मशरूम की जो पैकेजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब मशरूम, जो भी आपका मशरूम है, इसको जब आप पैक करते हैं, देखिए एस्थेटिक तो होना ही चाहिए, लुक में तो बहुत अच्छा लगना ही चाहिए, तो जितना अच्छा लुक होगा उतना अच्छा आपको मार्केट में फ़ायदा होगा। सेकेंडली, इसको किसी एक ऐसे बंद प्लास्टिक में मत डालिए क्योंकि मशरूम जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब आप उसको तोड़ लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हो गया, मर चुका है। अनटिल यू ड्राई इट आउट, इस मशरूम में जान है, और ये जान है मतलब रेस्पायरेशन कर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ से वो रेस्पायरेशन के थ्रू CO2 निकाल रहा है, तो वेपर जम जाएगा इसमें, पानी की मॉइस्चर जम जाएगी, नमी से मशरूम ख़राब हो जाएगा। तो पैकेजिंग करने से पहले तो ये रूल है कि पहले मशरूम तो आप फ्रेश मशरूम कभी भी धोइए मत, नेवर वॉश योर मशरूम, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक, बट यू कैन नॉट वॉश इट। आप वॉश करेंगे केमिकल से, बटन मशरूम वॉश किया जाता है वाइट बनाने के लिए, बट बहुत अच्छा नहीं रहता है वो मशरूम, ख़राब हो जाता है जल्दी। आपको उसको नेचुरल रखना पड़ेगा और उसको पकाने से पहले ही जस्ट वॉश करना है, सिंपल। पानी किसी भी चीज़ को सड़ा देता है, सिंपल। उसके बाद है टेम्परेचर, उसको सड़ाता है, तो आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखिए, कोल्ड जो वैन्स हैं उसमें रखिए, फ्रीज़र में रखिए, नॉर्मल एयर कंडीशनर में रखिए, या फिर आप उसको सिंपली जो थर्मोकोल में, जैसे फिश पैकिंग की टेक्नोलॉजी है उसके तरह आप मशरूम को भी पैक कर सकते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, उसमें क्या होता है कि आपको जो थर्मोकोल है जो मछली बाजार है वहाँ से लेकर आना पड़ेगा, उसको अच्छे से ब्लीचिंग से, फॉर्मेलिन से, जो पानी में मिलाएंगे बहुत कम मात्रा में, या डेटॉल से अच्छे से धोना है ताकि उसमें कोई भी प्रकार का पुराना अवशेष ना रह जाए, कोई स्मेल ना रहे, कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस ना रहे। जब आपका थर्मोकोल एकदम रेडी है उसके बाद आपको क्या, आप नया भी ले सकते हैं, मैंने कॉस्ट कटिंग के लिए पुराना थर्मोकोल का इस्तेमाल किया। इसमें क्या करना है आपको, जो मछली पैक करने के लिए जो बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं वो बर्फ़ लेकर आना है, और बर्फ़ को अच्छे से पॉलीथीन में पैक करना है, जो बर्फ़ है इसको पन्नी, बड़े पन्नी से अच्छे से डबल लेयर पैकेजिंग करना है, सबसे नीचे इस बर्फ़ को रख देना है, और उसके ऊपर मशरूम्स को 1-1 किलो, आधा आधा किलो या 100-100 ग्राम, जैसी आपकी पैकेजिंग करनी है आप उस हिसाब से उसको रखते रहिए। लगभग एक कार्टन में आराम से 20 kg तक मशरूम आ जाता है, डिपेंड करता है कार्टन का साइज़, बट उसके बाद आप उसको अच्छे से थर्मोकोल को ऊपर से कवर कर दीजिए, टेप से सील कर दीजिए, बस आपका मशरूम रेडी। अब आप इसको आराम से 24 से 48 घंटे तक सेफली रख सकते हैं। इस मशरूम का यहाँ से निकाल के सिंपली फर्दर बेच सकते हैं, या फिर आप इसको अपने, जैसे मछली क्या होता है, आंध्र प्रदेश से सीधा वेस्ट बंगाल आ जाता है, कहाँ का मछली कहाँ चला जाता है बताइए। तो सिंपल, मशरूम भी इसी तरह से हम बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कोल्ड स्टोरेज अगर हम करेंगे तो हमारा मशरूम जो है पेरिश नहीं करेगा, उसका सेल्फ लाइफ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारी मशरूम यहाँ से जब निकालेंगे फिर एकदम आराम से उसको नेचुरल कंडीशन में रखेंगे तो 2-3 दिन में बेच सकते हैं, या फिर फर्दर दुकान वाला अगर उसको फ्रीज़र में रखेगा तो काफ़ी दिन रख के बेच सकता है। तो ये तरीके हो गए हाउ टू पैक एंड स्टोर मशरूम फॉर लॉन्ग टाइम। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हाई ड्राई आइस टेक्नोलॉजी, आइस क्यूब टेक्नोलॉजी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फर्दर और वीडियोस इस विषय पे लाऊंगा।